एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी।
आर्यन आ सारू एक तो पोते लेट आवानो अने पछी बीजा बैठा बैठा होय एने उभा करीने बीजी जगह मूकी देवाना है તારે એટલું જ બેસવાનું છે કારણ કે તારું મોઢું જ બંધ નથી રહ્યું ચલો નહીં ગંડા તું તારી કેસ કરો ને તું હતો તે ચલ ચલ નહીં આર્યન નહીં એને નહીં હા તો હું બેસાડું છું ને એ રીતે બેસવા ગંડાજ चलो क्वेश्चन नंबर थ्री इन फिगर बस स्टॉप इट नाउ इन फिगर एबीडी इज अ ट्राई एंगल राइट एंगल एट ए बाजू में फिगर दी है एंड एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी देन शो दैट एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू बीडी हाँ एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू बीडी दैट मीन्स दी ट्राई एंगल एसी बी इज सिमिलर टू ट्राई एंगल बीएडी होगा ठीक है फिर सेकेंड है एसी स्क्वेयर इज इक्वल टू बीसी इंटू डीसी दैट मीन्स की दो अंदर के ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर एंड थर्ड है एडी स्क्वेयर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी दैट मीन्स की ट्राइंगल एसीडी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएडी होगा ठीक है बस यही थियोरम 6.7 का यूज करके पहले अंदर के एक ट्राइंगल को बाहर के बड़े ट्राइंगल से सिमिलर दिखाना है सेकेंड में दोनों छोटे वाले एक दूसरे से सिमिलर है और थर्ड में बाकी एक जो बचा था वो बड़े वाले ओरिजिनल से सिमिलर हो जाएगा जैसे ये सेकेंड किया वैसे ही ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल राइट एंगल डेट सी क्वेश्चन नंबर फोर एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल राइट एंगल डेट सी ये ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी ठीक है और कभी भी कोई राइट ट्राइंगल अगर आइसोस्केलेस हो दैट मीन्स की ये दोनों साइड इक्वल होगी क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होता है दोनों से वो कभी इक्वल नहीं हो सकता ठीक है देन वी हैव टू प्रूव इट एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वेयर एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी स्क्वेयर ओके चलो गिवन
right angled at C. 2, 2. AB square is equal to 2 times AC square. 2. यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल. राइट एंगल एट सी. ठीक है, तो ये एसी इज इक्वल टू बीसी होगा. ठीक है, बिकॉज आइसोस्केलेस. नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल एसीबी एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू एसी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर पाइथागोरस. हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टू टाइम्स एसी स्क्वेयर, तो बीसी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एसी लिख देंगे. देयरफॉर एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू एसी स्क्वेयर प्लस एसी स्क्वेयर, बिकॉज एसी इज इक्वल टू बीसी गिवन. देयरफॉर एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम्स एसी. Then this? Yeah, that's the same.
प्रूफ में हमें दिया है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी स्क्वायर, ठीक है, विच इज जीरो. देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है. अब टू टाइम्स था, उसे दो अलग अलग लिख दिया, ठीक है. अब ए सी की जगह पर बी सी लिख सकती हूँ, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी इज डी वन. देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी डी वन, ठीक है. तो होगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है. देयरफॉर ए बी की ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सी होगा ना. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट ट्राइंग एंगल. नहीं है, ठीक है. तो बी वन टू प्रूफ प्रूफ ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेशन. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका मीडियन और उसका अल्टीट्यूड दोनों एक ही होते हैं. कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है. तो अगर मैं यहां पर ए में से एडी ड्रॉ करूं तो वो उसका अल्टीट्यूड भी होगा. अल्टीट्यूड मतलब किसी एक वर्टाइस में से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बना, दैट इज अल्टीट्यूड. वो ही उसका मीडियम बनेगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है. तो दैट मीन्स की डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट मीन्स बी डी इज ए, ठीक है. वी हैव टू फाइंड ए डी. पाइथागोरस लगा दो, राइट ट्राइंगल बन गया ए डी बी. पाइथागोरस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर. ए डी हमें फाइंड करना है, हमारे पास ए डी और बी डी दोनों है, ठीक है. पहले लिखना पड़ेगा कि इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन इज इक्वल टू अल्टीट्यूड.
therefore altitude AB is equal to median AD. Therefore, B is midpoint of BC. Okay. Therefore, BD is equal to A. BD is equal to AQ आएगा. BC is equal to 2AA ECD. Okay. Yeah.
बताना ऊपर क्वेश्चन नंबर सेवन प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डायगोनल एबीसीडी इज अ रोम्बस रोम्बस के डायगोनल्स ए सी एंड बी डी विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल हमें पता है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ठीक है इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे गिवन एबीसीडी इज अ रोम्बस then diagonals AC and BD bisect each other at right angle at O to prove that sum of the स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स डायगोनल सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स मतलब कि चारों साइड के स्क्वेयर का सम साइड ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस डी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स डायगोनल ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर ये हमें प्रूव करना है नाउ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दैट मीन्स की अगर हम ये ट्राइंगल ए ओ डी कंसिडर करें तो ओ इज राइट एंगल ठीक है तो ए डी क्या होगा हाइपोटेनस को पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं प्रूव इन ट्राइंगल ए ओ डी एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री Therefore, AD square is equal to AO square plus DO square. Equation number one. In बारी बारी से चारों triangle का लेंगे ठीक है In triangle COD, angle O is equal to 90 degree. अगर O 90 degree है तो CD क्या होगा Hypotenuse. Therefore, CD square is equal to CO square plus DO square. Equation number 2. Now, triangle BOC. अगर O 90 degree है, तो hypotenuse क्या होगा? BC. BC square is equal to BO square plus CO square. एंड लास्ट इन ट्राइंगल एओ बी एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर अगर ओ 90 डिग्री है तो ए बी क्या होगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू एओ स्क्वेयर प्लस बीओ स्क्वेयर इक्वेशन नंबर 4 हमें चारों साइड्स का क्या चाहिए एडिशन चाहिए स्क्वेयर का तो चारों इक्वेशन को क्या करेंगे एड करेंगे ठीक है एड 1, 2, 3 and 4 तो AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पर फर्स्ट इक्वेशन का AO स्क्वेयर प्लस DO स्क्वेयर सेकेंड इज इक्वेशन का CO स्क्वेयर प्लस DO स्क्वेयर थर्ड इक्वेशन का BO स्क्वेयर प्लस CO स्क्वेयर एंड फोर्थ का AO स्क्वेयर प्लस BO स्क्वेयर देयरफॉर इसे लाइन में लिख दो AB BC CD एंड DE AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर प्लस DA स्क्वेयर इज इक्वल टू
ये क्या है? डायगोनल एसी। तो एओ स्क्वेयर प्लस सीओ स्क्वेयर करो तो पूरे एसी का स्क्वेयर मिलेगा, यस और नो? ठीक है, तो ये रहा एओ स्क्वेयर प्लस सीओ स्क्वेयर। मैं बाजू में लिखती हूँ, ट्वाइस बोला है कि सिर्फ सिंगल टाइम बोला? इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, एओ स्क्वेयर प्लस सीओ स्क्वेयर। तो यहां से हमें मिल जाएगा डायगोनल एसी प्लस, दूसरे डायगोनल में चाहिए बीओ स्क्वेयर प्लस डीओ स्क्वेयर, तो ये रहा डीओ स्क्वेयर और यहाँ बीओ स्क्वेयर। सब कुछ टू टाइम्स आया ना, एओ स्क्वेयर प्लस सीओ स्क्वेयर, बीओ स्क्वेयर प्लस डीओ स्क्वेयर, सब कुछ टू टाइम्स। हाँ, एक एक बार नहीं जैसे क्या हुआ? ए भी लाइन में फिर से लिख रही हूँ, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस डी ए स्क्वेयर इज इक्वल, यहाँ पर एओ ए स्क्वेयर टू टाइम्स है, टू टाइम्स एओ स्क्वेयर प्लस बीओ स्क्वेयर। हाँ, यहाँ पर हमें एओ के साथ क्या चाहिए? सीओ। एओ और सीओ को हम दो करेंगे तब हमें पूरा एसी मिलेगा ना, ठीक है? तो टू एओ स्क्वेयर प्लस टू सीओ स्क्वेयर प्लस टू बीओ स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स डीओ स्क्वेयर होगा, ठीक है ना? यहाँ पर हमें लिखा कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स एओ का मतलब क्या हुआ? वन हाफ ऑफ एसी, यस और नो? एओ का मतलब क्या हुआ? वन हाफ ऑफ एसी, बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर। कीप इट एज इट इज इक्वल टू, इन सब में से पहले टू मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? फिर इनटू ब्रैकेट एओ मतलब एसी अपॉन टू उसका स्क्वेयर प्लस सीओ मतलब ऑल्सो एसी अपॉन टू उसका स्क्वेयर, यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, एओ इज हाफ ऑफ एसी दैट मीन्स एसी अपॉन टू, सीओ इज ऑल्सो हाफ ऑफ एसी दैट मीन्स एसी अपॉन टू प्लस बीओ इज ऑल्सो हाफ ऑफ एसी दैट मीन्स बीडी अपॉन टू उसका स्क्वेयर प्लस डीओ इज हाफ ऑफ एसी तो बीडी अपॉन टू उसका स्क्वेयर। अगेन इन सब में से क्या बाहर निकालो? फोर टू का स्क्वेयर किया, ठीक है? अगेन सब में से कीप क्वाइट, अगेन सब में से फोर कॉमन ले लो, यस और नो? डिनोमिनेटर में फोर कॉमन, टू अपॉन फोर एसी स्क्वेयर प्लस एसी स्क्वेयर टू टाइम्स एसी स्क्वेयर प्लस बीडी स्क्वेयर प्लस बीडी स्क्वेयर टू टाइम्स बीडी स्क्वेयर, ये एक एक यहाँ पर टू निकल जाएगा तो डेनोमिनेटर में क्या बचा? टू। अगेन इन दोनों में से टू कॉमन ले लो तो इसके साथ कैंसल हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू टू अपॉन टू एसी स्क्वेयर प्लस बीडी स्क्वेयर, ठीक है? ये फिगर तो आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हो, नीचे तक हो गया, टू टू कैंसल हो गया, फोर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस डी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 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 कैंसल हो गया, क्या बचा? ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर हो गया टू, लिख लो। यहाँ से स्टार्ट करना, फिगर रोम्बस ड्रॉ करना सबको आता है, फिर डायगोनल ड्रॉ कर देना, ओपर इंटरसेक्ट कर दे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना गिवन से वहां तक हो जाए बाद में ये एक आगे। 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 आगे।